हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल फॉलो स्टडी। फ्रेंड्स, आज के इस करंट अफेयर के टॉपिक में हम फार्मूला वन यानी कि ग्रैंड प्रिक्स विजेता 2022 यानी 2022 से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सभी के सभी क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में लाया है। और मैंने कोशिश किया है कि सभी के सभी क्वेश्चन इस वीडियो में पूरा कर दूँ और इस वीडियो में मैं आपको याद करवा दूँ ताकि आपके आने वाले किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए, जो कि ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक नए क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। देखिए, हाल ही में NTPC मेन्स का एग्जाम हुआ था, उसमें भी फार्मूला ग्रैंड प्रिक्स विजेता से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आने वाले सभी रेलवे एग्जाम्स, SSC एग्जाम्स में और चाहे और किसी अन्य कंपटीशन एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, तो एक नंबर में आपसे पूछ लिया जाता है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं फटाफट। तो फ्रेंड्स देखिए, फार्मूला वन रेस जिसे ग्रैंड प्रिक्स भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान देना है। तो ये है 2022 का आज हम डिस्कस करेंगे। देखिए, कुछ ऐसे विजेता हैं जो कि बहुत सारे, यानी कि आप देख सकते हैं, फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स 2022, सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स, अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स, स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स, मियामी ग्रैंड प्रिक्स, एमिलिया रोगमाना ग्रैंड प्रिक्स और कनाडा ग्रैंड प्रिक्स, ये सभी के सभी आप जो ग्रैंड प्रिक्स देख रहे हैं वो केवल एक ही खिलाड़ी ने जीता है, जो कि 2022 में उनका नाम है, 2022 में जो कि उनका नाम है मैक्स वेरस्टेपन। तो यहाँ से आपको ये याद रखना है, मैंने एक ही जगह सारे ये ग्रैंड प्रिक्स का ले लिया है कि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो, ताकि याद करने में आपको आसानी हो और बहुत जल्दी आपको याद भी हो जाएगा। तो इन सारे ग्रैंड प्रिक्स का नाम आपको ध्यान में रखना है। ये सभी के सभी जितने भी ग्रैंड प्रिक्स है 2022 का, एक ही खिलाड़ी ने जीता है, इनका नाम है मैक्स वेरस्टेपन और ये रेड बुल से संबंध रखते हैं, जो कि नीदरलैंड से है। ये आपको याद रखना है, मैक्स वेरस्टेपन नीदरलैंड से हैं और ये रेड बुल से संबंध रखते हैं। तो एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं, इन्होंने फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स 2022, सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स 2022, अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2022, स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2022, मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2022, एमिलिया रोमागना ग्रैंड प्रिक्स 2022, कनाडा ग्रैंड प्रिक्स 2022, ये सभी के सभी जो ग्रैंड प्रिक्स है ये एक ही खिलाड़ी ने जीता है, जो कि मैक्स वेरस्टेपन है। तो आप एक से दो बार इसे ज़रूर से पढ़ लीजिएगा, आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आपको हेल्प करेंगी ये सारी चीज़ें। आपको यह बस ध्यान में रखनी है कि फ्रेंच वाला, सऊदी, अजरबैजान, स्पेनिश, मियामी, एमिलिया, कनाडा ग्रैंड प्रिक्स, ये सभी के सभी अवार्ड जो कि ग्रैंड प्रिक्स विजेता है मैक्स वेरस्टेपन है और ये रेड बुल से संबंधित रखते हैं और ये नीदरलैंड के खिलाड़ी हैं। ये आपको याद रखना है, नीदरलैंड के फार्मूला वन रेसर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है ऑस्ट्रिया ग्रैंड प्रिक्स 2022, यानी कि ऑस्ट्रिया ग्रैंड प्रिक्स 2022, बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2022 और ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2022, ये तीनों जो ग्रैंड प्रिक्स है ये तीनों एक ही खिलाड़ी ने जीता है, चार्ल्स लेगलर उनका नाम है, ये आपको याद रखना है। तो ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों ही सही आपको रिलेट करना है कि ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया और एक तीसरा है बहरीन, ये तीनों जो है, तीनों ग्रैंड प्रिक्स 2022 का एक ही खिलाड़ी ने जीता है, चार्ल्स लेक्लर उनका नाम है और ये फेरारी से संबंध रखते हैं और ये मोनाको देश से रिलेटेड हैं, ये आपको याद रखना है। तो एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ, ऑस्ट्रिया आपको जहाँ दिख जाए, ऑस्ट्रेलिया दिख जाए या फिर बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2022 या आपसे पूछा जाए, तो इसके विजेता हैं चार्ल्स लेक्लर, तीनों के विजेता हैं चार्ल्स लेक्लर, ये आपको ध्यान देना है और ये फेरारी से संबंध रखते हैं और ये मोनाको कंट्री से रिलेटेड हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं जो कि हमारा लास्ट है, ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स। तो ये सिंगल सिंगल ये आपको याद रखना है, ब्रिटिश जो ग्रैंड प्रिक्स है कार्लोस सेंस इन्होंने ये जीता है 2022 का ग्रैंड प्रिक्स, ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स का कार्लोस सेंज और ये फेरारी से संबंध रखते हैं और ये स्पेन से हैं, ये आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2022, इसे किसने जीता है, तो सर्जियो पेरेज ने जीता है, जो कि रेडबुल से संबंध रखते हैं और ये मैक्सिको देश से संबंधित है। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ, ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2022 कार्लोस सेंज ने जीता है, जो कि फेरारी से संबंध रखते हैं, स्पेन देश के हैं और ये मोनाको जो ग्रैंड प्रिक्स है सर्जियो पेरेज ने जीता है, जो कि रेडबुल से संबंध रखते हैं और ये मैक्सिको से हैं, ये आपको याद रखना है। एक बार फिर से मैं आपको रिवीजन करवा देता हूं ताकि आपको इसी वीडियो में सब कुछ याद हो जाए। देखिए फ्रेंड्स, ये सभी जो ग्रैंड प्रिक्स है आपको एक बार नज़र में याद रखना है कि ये सभी जो ग्रैंड प्रिक्स है एक ही खिलाड़ी ने जीता है, मैक्स वेरस्टेपन ने। फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स है, सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स, अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स, स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स, मियामी ग्रैंड प्रिक्स और एमिलिया रोमागना ग्रैंड प्रिक्स, कनाडा ग्रैंड प्रिक्स, ये सभी के सभी जो ग्रैंड प्रिक्स है मैक्स वेरस्टेपन ने जीता है, ये रेडबुल से संबंध रखते हैं और ये नीदरलैंड से संबंध रखते हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है ऑस्ट्रिया दिख जाए आपको, चाहे ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलियन दिख जाए या फिर बहरीन दिख जाए, तीनों का तीनों एक ही खिलाड़ी ने जीता है, तीनों ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला वन रेसर, चार्ल्स लेक्लर ने जीता है, फेरारी से संबंध रखते हैं और ये मोनाको से हैं, ये आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स, यही आपको सिंगल याद रखना है, बाकी तो वहाँ मैंने आपको सब कुछ दिखा दिया है। ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स आपको देखने को मिल जाए तो कार्लोस सेंज यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा और ये फेरारी से संबंध है, स्पेन से ये है, ये आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है मोनाको ग्रैंड प्रिक्स, जो कि सर्जियो पेरेज ने जीता है, रेडबुल से संबंध है और ये मैक्सिको से है। तो आई होप कि आपको सभी क्वेश्चन याद हो गए होंगे।
चलिए आज का क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसका आंसर आपको हमें कमेंट में देना है। मैक्स वेरस्टपन किस देश से संबंध रखते हैं, ये आपको बताना है। स्पेन, नीदरलैंड, मोनाको और मैक्सिको। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट में बताइएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो जरूर से वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स में, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर से क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम कोई अगली वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और फ्रेंड्स, अगर आपको टेलीग्राम ग्रुप अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको सभी क्वेश्चन का PDF का ऑप्शन मिल जाएगा। तो टेलीग्राम का लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो आप उसे जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। हैव अ नाइस डे।